हेलो बेटा। हाँ जी मुझे आगे रिकॉर्डिंग करते हैं हम जर्नल की। ठीक है, तो जर्नल एंट्री देखो, आगे तीन कर ली थी ना हमने, तीन जर्नल एंट्री कर ली थी। अब उसके आगे कंटिन्यू करने लगे हम तीन एंट्रियों के आगे। देखो ध्यान से, ध्यान से समझना इन एंट्रियों को। ठीक है, पहले तो वो रूल पता होने चाहिए तीनों के तीनों। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रिपीट कर देता हूँ, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वो तीनों के तीनों रूल लगाने हैं। और साथ में मैंने बताया था पिछली वीडियोज में, बिजनेस का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आता। ऑनर के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, कैपिटल एंड ड्रॉइंग। चलिए कंटिन्यू करें। फोर्थ एंट्री लिखो, आपने लिखना है, पहले वीडियो साथ साथ में पॉज कर लेना, देन समझना मैं कर कैसे रहा हूँ। फोर्थ एंट्री लिखिए, हम क्या करते हैं बिजनेस में, किसी को पैसा पे करते हैं ना, जो बिजनेस चल पड़ता है, बिजनेस स्टार्ट करने की तीन एंट्री हमने देख ली। अब उसके बाद हम किसी को पैसे पे करने लगे हैं, लाइक फोर्थ एंट्री, ₹100 पेड टू रोहित, ₹100 पेड टू रोहित। बेटा ये एंट्री है फोर्थ। अब इसकी एंट्री देखो कैसे करेंगे। हमने ₹100 रोहित को पे किया, तो सबसे पहले तो वही चेक करना है, रिसीवर गिवर, रिसीवर कौन है, गिवर कौन है। मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो भी काम करता है वो कौन करता है, बिजनेस करता है, मालिक नहीं। ठीक है, तो ₹100 रोहित को पे किया, किसने पे किया, बिजनेस ने पे किया। ठीक है, मालिक जो है सिर्फ बिजनेस स्टार्ट कर देता है, बस उसके बाद जो भी काम है वो सारे का सारा कौन करता है, बिजनेस करता है। तो ₹100 पेड टू रोहित, हमने ₹100 किसको पे किया, रोहित को पे किया। ठीक है, तो मेरे को बताओ रिसीवर कौन है, गिवर कौन है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, रिसीवर कौन है, रोहित। ठीक है, गिवर कौन है, बिजनेस, यही हुआ। अब बिजनेस का नाम तो आता नहीं, तो रोहित कौन है, रिसीवर। रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट, यही करते हैं ना, रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। तो रोहित रिसीवर है, तो रोहित को क्या करेंगे, डेबिट। ये देखो रोहित डेबिट, ऐसे सिखाया था ना। अब फर्क क्या है, जब बेटा याद रखना, हर चीज के साथ अकाउंट अकाउंट लिख रहा हूं मैं, जब नाम लिख रहा हूं ना, नाम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं आता, ये याद रख लेना। वैसे क्या होना था, रोहित अकाउंट डेबिट, पर याद रख लो जब कोई नाम होता है नाम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं लिखते। तो रोहित दो तीन वो डाल के डैश डेबिट, फॉर्मेट में नहीं कर रहा, सीधा कर रहा हूँ एंट्रियों को, तो सीख ही जाओ एंट्री बनानी। रोहित डेबिट, ये डेबिट हो गया। गिवर कौन है, बिजनेस, बिजनेस का नाम तो आता ही नहीं। चलो पहला रूल कंप्लीट। दूसरा रूल, दूसरा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, बिजनेस में। तो बिजनेस में बेटा क्या आ रहा है एंट्री के अकॉर्डिंग, कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने रोहित को ₹100 पे किया हुआ है। ठीक है ना, बिजनेस ने रोहित को ₹100 पे किया हुआ है, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। क्या जा रहा है, ₹100 जा रहा है, तो क्या जा रहा है, कैश। तो गोज आउट है ना, तो गोज आउट को क्या करते हैं, क्रेडिट, मतलब रूल होता है ना नेक्स्ट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन तो कुछ भी नहीं है, व्हाट गोज आउट क्या, कैश, तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये देखो टू कैश अकाउंट, आई समझ बात करनी है। मैंने आपको बताया हुआ डेबिट वाला इफेक्ट ऊपर होता है, क्रेडिट वाला नीचे होता है। क्रेडिट वाला इफेक्ट थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं, किसी भी चीज को टू के साथ लिख दो तो वो क्रेडिट ही होता है, हो गया कि नहीं, क्रेडिट स्पेशली लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ₹100, आई समझ बात करनी है। ये होगी हमारी फोर्थ एंट्री, रोहित को हमने ₹100 पे किया, पहले पे किया। अब हम क्या करते हैं, रिसीव करने की एंट्री करते हैं। फिफ्थ एंट्री लिखो, ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम पंकज। ठीक है, ₹500 किससे रिसीव किया, पंकज से। क्या एंट्री है, ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम पंकज, बेटा पंकज से हमने ₹500 रिसीव किया। ओके, देखो रिसीवर कौन है, पंकज से ₹500 रिसीव किया, तो रिसीवर कौन है, बिजनेस। गिवर कौन है, पंकज, बिल्कुल क्लियर है ना। तो रिसीवर बिजनेस है, गिवर कौन है, पंकज। रिसीवर बिजनेस है, बिजनेस का नाम तो आता ही नहीं, उसको तो छोड़ दो। गिवर कौन है, पंकज, तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। तो पंकज को क्या करेंगे, क्रेडिट। ये देखो टू पंकज, नाम के साथ अकाउंट नहीं आ रहा, किसी
किसी भी चीज को क्रेडिट करना उसको टू के साथ लिख दो, नाम के साथ अकाउंट आना नहीं। तो टू पंकज, पंकज कौन हो गया? गिवर, गिवर को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ठीक है, रूल लगा के करनी है एंट्री, रट्टे नहीं मारने। पहला रूल तो लग गया, फिर उसके बाद दूसरा रूल लगाना होता है जब एंट्री कंप्लीट ना हो। तो दूसरा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखो बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। बिजनेस में बेटा इस बार कैश आ रहा है, क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं। तो बिजनेस में क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। तो कैश आना तो मतलब आना है, तो व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन को क्या करते हैं? डेबिट। सो कैश अकाउंट डेबिट 500 500, ये थी आपकी फिफ्थ एंट्री। आई समझ के नहीं है? पैसा पे किया, पैसा रिसीव किया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं आगे। बेटा बिजनेस में सिर्फ हम पैसा पे और पैसा रिसीव नहीं करते, चेक पे और चेक भी रिसीव करते हैं, होता कि नहीं? हम सिर्फ पैसा पे और पैसा रिसीव नहीं करते, चेक भी पे करते हैं, चेक भी रिसीव करते हैं। चेक CHEQUE वाला चेक जो बैंक में लगता है, CHEQUE चेक। ठीक है, एंट्री लिखिए नेक्स्ट, सिक्स्थ एंट्री लिखिए बेटा, रुपीज 200 पेड टू मोहित बाय चेक, CHEQUE वाला चेक। रुपीज 200 पेड टू मोहित बाय चेक, 200 रुपए पे किया हमने किसको? मोहित को। कैसे? चेक के थ्रू। रुपीज 200 पेड टू मोहित बाय चेक, चेक के थ्रू हमने 200 रुपए पे कर दिए। फिर से रूल लगाओ उसी तरह से, रिसीवर कौन है? पे किया किसको? मोहित को। तो रिसीवर हुआ मोहित, गिवर कौन हुआ? बिजनेस, बिजनेस ने पे किया होगा, है ना? ऐसे सीख रहे ना हम चीजों को, धीरे धीरे आ जाएगी समझ। हमने किसको पे किया? मोहित को पे किया। ठीक है, तो मोहित कौन है? रिसीवर। और गिवर कौन है? बिजनेस। भाई बिजनेस का नाम तो आता नहीं, मोहित कौन है? रिसीवर। तो रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो ये देखो, नाम के साथ अकाउंट नहीं आता, मोहित DR डेबिट। ओके, मोहित डेबिट कर दिया। पहला रूल तो लग गया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मोहित रिसीवर था, डेबिट कर दिया, गिवर बिजनेस था, उसका नाम नहीं आता। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो कुछ आ रहा है उसको डेबिट करो और जो कुछ जा रहा है उसको क्रेडिट करो। सो व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है बिजनेस के अंदर? बेटा बिजनेस के अंदर आ तो कुछ नहीं रहा, क्या जा रहा है? 200 रुपए जा रहा है। कैसे जा रहा है? चेक के थ्रू जा रहा है। कैसे जा रहा है? चेक के थ्रू जा रहा है। तो मतलब क्या जा रहा है? व्हाट गोस आउट? चेक। याद रखो टू चेक, लेकिन चेक के लिए एक वर्ड यूज होता है, क्योंकि चेक कहां जाके लगता है? बैंक में लगता है ना। तो चेक के लिए वर्ड यूज होता है बैंक अकाउंट। 200 200, आई समझ बात? करेंगे ये था एंट्री बनी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ये रूल लगे दो। ये समझ आई बात? करेंगे छह एंट्री होगी, क्लियर? देखो यार वीडियो देखना था कितने मिनट की होगी, अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है। हाँ जी, तो बेटा मोहित डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ये होगी हमारी मोहित को पैसा पे करने की एंट्री। ओके, चेक के थ्रू। अब हमने चेक पे किया ना, तो हम सिर्फ चेक पे थोड़ा ना करते हैं, चेक रिसीव भी करते हैं। ठीक है, अब रिसीव करते हैं चेक। लिखिए नेक्स्ट एंट्री, छह होगी सातवीं एंट्री, लिखो। लिखिए रुपीज 500 received from Rohan by check. Rupees 500 received from Rohan by check. बेटा 500 रुपए रोहन से रिसीव किया, कैसे? चेक के थ्रू। आगे समझ, रुपीज 500 received from Rohan by check. रोहन से 500 रुपए रिसीव किए चेक के थ्रू। रूल लगाओ दोबारा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो थर्ड रूल है अभी तक हम वहां पे पहुंचे नहीं है, वो रूल हमारा किसी भी एंट्री में अप्लाई नहीं हुआ अभी, वो बताऊंगा कैसे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले रिसीवर गिवर चेक करो, यही करते हैं ना सबसे पहले चेक। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रिसीवर कौन है गिवर कौन है? जब हमने पंकज से 500 रुपए चेक के थ्रू रिसीव किया, हमने मतलब बिजनेस ने, तो रिसीवर कौन हुआ? बिजनेस। रिसीवर कौन हुआ? बिजनेस। तो बिजनेस का नाम तो नहीं आता, साइड पे रखो। गिवर कौन है? पंकज। तो बेटा गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। यही करते हैं गिवर को, गिवर को करते हैं क्रेडिट। तो क्या करेंगे सेवंथ एंट्री में, गिवर को क्रेडिट करना है, गिवर कौन है? पंकज। तो टू पंकज, पंकज है रोहन, सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा सुन लो, एंट्री क्या थी? रुपीज, वो प्रॉब्लम तो आनी आनी है, नाम हम भूल जाते हैं, क्या बोला? अच्छा, हमने एंट्री बोली ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम रोहन बाय चेक, यही बोली ना एंट्री, ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम रोहन बाय चेक। तो रिसीवर कौन है? बिजनेस। गिवर कौन है? रोहन। ठीक है, तो गिवर रोहन है, तो क्या रहेगा? टू रोहन। आई समझ बात क्या? नहीं आई वो, अगर कंफ्यूज हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोहन की जगह पंकज लिख लेना, तो क्या है, नाम ही चेंज होना है, बाकी तो वही है। ठीक है, तो टू रोहन, क्रेडिट द गिवर। अब नेक्स्ट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आ रहा है बिजनेस में और क्या जा रहा है बिजनेस में से? बिजनेस में चेक आ रहा है, क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं। तो क्या आ रहा है? चेक आ रहा है ना, तो लिखेंगे चेक। चेक के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? बैंक। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 500। 500 आई बेटा, बात समझ में नहीं आई? ये बन गई हमारी 7th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन। क्लियर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, ये बन गई एंट्री, नाम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं आता। तो ये होगी हमारी 7 एंट्रियां। अब हम आगे करते हैं, ठीक है? रिटर्न में करनी सारी प्रैक्टिस सोच के, थोड़ा टफ काम है लेकिन प्रैक्टिस करके समझ आएगा। अब नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट बेटा, अब देखो हमने पैसा पे किया, पैसा रिसीव किया, चेक पे किया, चेक रिसीव किया। अब हम क्या करते हैं? बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, ठीक है? ये भी करते हैं हम लोग। अब बैंक में पैसा जमा करवाने हैं तो क्या होता है? ₹1,000 डिपॉजिटेड स्लैश पेड इनटू बैंक, ये की मीनिंग है, डिपॉजिट करना या पेड करना बैंक को। ₹1,000 डिपॉजिटेड या पेड, कुछ भी लिख लो, ₹1,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने ₹1,000 बैंक में जमा करवाया, ठीक है? मैंने बोला ₹1,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ₹1,000 बैंक में जमा करवाया, ओके? Who is the receiver? Bank, bank receiver हो गया ना। Giver कौन है? Giver business, business ने करवाया जमा। Receiver bank, giver कौन है? Business। तो ये देखो entry। Receiver bank है, तो यहाँ कर रहा हूँ entry 8th। Bank receiver है, तो receiver को क्या करते हैं? Debit। तो bank account debit, ठीक है? एक चीज याद रखो, पहले कोई भी फैक्ट मिल सकता है, डेबिट वाला भी मिल सकता है, क्रेडिट वाला भी मिल सकता है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, कभी मैं पहले वो लिख देता हूँ, कभी वो लिख देता हूँ, जो रूल्स के साथ बना, रिटर्न में करी जाओगे प्रैक्टिस समझ आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीवर था, बैंक को डेबिट कर दिया। चेक के लिए भी बैंक वर्ड यूज होता है, बैंक के लिए तो बैंक वर्ड यूज होता ही होता है, ठीक है ना? जो चेक होता है उसके लिए भी बैंक वर्ड यूज होता है, लेकिन बैंक के लिए तो बैंक ही वर्ड यूज होगा। ₹1,000 डिपॉजिटेड इन टू बैंक, रिसीवर कौन है? बैंक। तो बैंक को हमने डेबिट कर दिया। गिवर कौन हुआ? बिजनेस। बिजनेस का नाम नहीं आता, अब तक रट जानी चाहिए आपको ये चीज, बिजनेस का नाम नहीं आता, ठीक है? तो फर्स्ट रूल लग गया। नेक्स्ट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कुछ आ रहा है उसको डेबिट करो, जो कुछ जा रहा है उसको क्रेडिट करो। क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं, रिसीव है ना, आ कुछ नहीं रहा। व्हाट गोज आउट? कैश जा रहा है बैंक में, जब जमा करवाया बैंक में, तो व्हाट गोज आउट? कैश। तो ये देखो बेटा, क्रेडिट व्हाट गो आउट टू कैश आउट कितना? 1,000। 1,000 आई समझ बात करेंगे। ये तो बेटा 8th एंट्री हमारी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गो आउट, ये रूल लगे दो। अब नेक्स्ट एंट्री, अच्छा मैं आपको एक चीज बात बता दूं, आपको ना थोड़ा ना टफ लग रहा होगा ये, लेकिन मैं एक चीज बात बताता हूँ आपको, एक बात सुनो। जब हम छोटे होते थे किसी क्लास में, स्टार्टिंग में टेबल सीख रहे थे, 2 का टेबल या 3 का टेबल, तो टीचर हमसे स्टार्टिंग में जब पूछती थी कि 2 8 का कितना होता है, तो हम बोलते थे मैम 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, ऐसे करके 9 तक जाते थे। तो 2 9 18 बोलते थे देन, है ना, इसी तरह चलता था। लेकिन जब हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली वो छोटी क्लासेस में, तो तब हमसे को पूछता था टीचर कि 2 9 का कितना होता है, हम डायरेक्टली बोलते हैं 2 9 का 18, हमें पूरा नहीं बोलना पड़ता। यही चीज यहाँ पे है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, जब आपको प्रॉपरली दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, तो आप फिर फट से एंट्री बनाओगे। जैसे को बोलेगा ₹1,000 रिसीव्ड फ्रॉम पंकज, तो आप सीधा ही बोलोगे कैश टू पंकज, तब आपको रूल्स ज्यादा फॉलो करने की प्रैक्टिस बन जाएगी, दिमाग में लॉजिक डेवलप हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में टाइम लगता ही लगता है जर्नल सीखने में, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये टफ काम है, मुश्किल काम है जर्नल सीखना, ये इजी वाला पोर्शन नहीं है, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स है।
अब सुनो, प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। एक दिमाग में बस दिमाग लगाने की जरूरत होती है, आ जाता होता समझ ये सारा कुछ। अब देखो, बाकी जब हम फेस टू फेस देखेंगे ना, तब तो प्रॉपरली बढ़िया तरीके से आराम से कराएंगे। देखो, नाइन्थ एंट्री है बेटा, हमने पैसा जमा करवाया बैंक में, अब बैंक से पैसा निकलवा लेते हैं। ऐसा भी करते हैं ना, लिखो ₹500 विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, ₹500 विदड्रॉ फ्रॉम बैंक। हमने ₹500 बैंक से क्या किया, विदड्रॉ कर लिया, मतलब निकलवा लिया। जो पैसा बैंक से निकलवाया तो रिसीवर को हुआ, बिजनेस बिजनेस में निकलवाया तो बिजनेस रिसीवर है, बिजनेस का नाम तो नहीं आता, साइड पे रखो, डेबिट नहीं कर सकते इसको। गिवर कौन है, बैंक। अब गिवर कौन है, बैंक है, तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, ये गिवर को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। पहला रूल तो लग गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा रूल होता है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। क्या आ रहा है बिजनेस में, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। जो बैंक से कैश निकलवाया, पैसा निकलवाया तो कैश निकलवाया ना, तो क्या आया, व्हाट कम्स इन, कैश। सो इसीलिए बेटा ये देखो, कैश अकाउंट डेबिट, तो बन गई हमारी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा निकलवाने की। अमाउंट कितनी है, 500, 500, ठीक है। इतनी करवानी थी बेटा आज मैंने, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है कुछ चीजों को सीखने में, ज्यादा करवा दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे तो हमने 100-150 एंट्री करनी है, बहुत एंट्री करनी है इसी तरह से, बुक में भी नहीं होगी इतनी एंट्री जितनी मैं करवा दूंगा। तो हमने इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना, देन ही बात बनेगी, ठीक है। इसको अच्छे से रिटर्न में प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब इस क्लास के बाद आपकी जूम क्लास के लिए भी लाइव हो रहा हूँ मैं, ठीक है, उसमें भी थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा कुछ ना कुछ। चलिए बेटा, इसको आपने अच्छे से कर लेना, ठीक है, देन हम उसके बाद बात करेंगे। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट।